Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FMSBAWARCHIKHANA. I hope you all are fine. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारबेक्यू व्लॉग और ये बारबेक्यू पार्टी जो है मैंने घर में की है अपनी फैमिली के साथ और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो बारबेक्यू पार्टी के साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से घर में बारबेक्यू कर सकते हैं. सो अभी मैं आई हूँ अपने गार्डन में क्योंकि मुझे मसाले के लिए थोड़े से लेमन्स चाहिए और लेमन्स जो है मेरे गार्डन में लगे हुए हैं. सो अभी हम इन लेमन्स को तोड़ेंगे और आप देख सकते हैं पानी जो है शबनम के कतरे जो है लेमन्स पे आए हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, बारिश हुई है और सारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत प्लेजेंट हो चुका है. सो अभी मैं उतारूंगी ये लेमन्स, तकरीबन 5 से 6 अदद लेमन की मुझे ज़रूरत है तो मैं ये उतारूंगी और अपने रेसिपी की जानिब हम बढ़ेंगे. मैंने आ क्या कहा, दिल में राख हो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की. सो गाइस लेमन हमने तोड़ लिए हैं और अब हम चलते हैं किचन की जानिब. सो मैं किचन में आ चुकी हूँ और आपको बताऊँगी कि बारबेक्यू टिक्का के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है, बीफ है ये बड़ा गोश्त और ये 1.5 kg है. सो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बहुत छोटे नहीं किए, इतने करने हैं जो आपकी ईजिली सीख के ऊपर लग जाए. सो सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं गोश्त एंटर कर दूँगी, सारा गोश्त डाल दें आप और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें पहले और उसके बाद यूज़ करें. उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, नेशनल का चिकन टिक्का मसाला मैंने लिया है और चिकन टिक्का बोटी मसाला लिया है, दोनों सेम ही हैं, और तकरीबन 1.5 packet यानी कि 1.5 packet मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. आप 1 packet डालने के बाद उसको टेस्ट कर लें और फिर अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें. और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 3 tablespoon लेमन जूस यानी कि 5 to 6 लेमन्स आपने डालने हैं उनका रस, और 1/2 kg योगर्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यानी कि दही 1/2 kg, और उसके बाद चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से हिला लें ताकि हर एक बोटी के पीस के ऊपर आपका मसाला लग जाए. और इसको आपने मसाला लगाने के बाद यानी कि मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 2 घंटे मिनिमम आपने इसको छोड़ देना है, और ये गोश्त है तो ये जल्दी नहीं होगा, जितना आप इसे टाइम दे सकते हैं आप इसे मैरिनेट करके टाइम दें. उसके बाद आप कोयलों को छोटा छोटा कर लें और इस तरीके से आप आग लगा लें ताकि जो कोयले हैं वो अच्छे तरीके से जो है आग को पकड़ लें, और उसके बाद आप इस तरीके से बोटियों को लंबा लंबा सीख के ऊपर लगाएँ, और लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से अपनी अंगीठी के ऊपर रखें और हल्की हल्की पंखे से आप इसे झलते रहें ताकि आपके जो कोयले हैं वो जोश पकड़ते रहें और अच्छे तरीके से आपकी सीखें जो हैं वो पक जाएं. बिल्कुल इसी तरीके से आप भी घर में बना सकते हैं. अगर आपकी अंगीठी जो है थोड़ी बड़ी है तो आपको ज़्यादा एक टाइम पे आप ज़्यादा से बना सकते हैं, अगर कम है तो एक टाइम पे आप 6 सीखें आराम से लगा सकते हैं इसके ऊपर. सो आप बना के इस पे लगाते जाएं और साइड बाय साइड आप इसको चेंज भी करते जाएं आप साइड्स इनकी ताकि एक साइड से ये जले नहीं, और इस तरीके से आप लगाते जाएं और इसे कुक करते रहें. बकरा ईद का 3rd day है और मोस्टली लोग जो हैं आज के दिन बारबेक्यू जो है पार्टी रखते हैं अपने घरों के ऊपर. फ्रेंड्स जो है उनका गेट टुगेदर होता है और बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो इकट्ठे मिलके बारबेक्यू करते हैं, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. बेशक आप सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और आपकी फैमिली में एक दूसरे से प्यार बढ़ता है. अब मोस्टली ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन फेस्टिवल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हैं और सो के ईद गुजार देते हैं. सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ईद को पूरे भरपूर तरीके से इंजॉय करें क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स बहुत कम होते हैं तो इनको पूरे तरीके से आपको इंजॉय करना चाहिए. सो ये हमारी एक सीख जो है वह तैयार हो चुकी है तो इसे हम उतार लेंगे और इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे. आप साइड्स मेक श्योर कि आप चेंज करते रहें हर थोड़ी देर बाद ताकि वो एक साइड से बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए. सो साइड्स चेंज करते रहें, और ये बहुत ज़्यादा तभी गोश्त है तो ये टाइम लेगा ज़्यादा और ये पकेगा अच्छे तरीके से. अगर चिकन होगी तो उसको आप 1/2 hour के लिए मैरिनेट कर दें और वो ईजिली आपके जल्दी पक जाएंगे. सो टिक्के हमारे तैयार हो चुके हैं, और टिक्कों के साथ जो है अगर प्याज यानी कि अनियन और रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता. सो प्याज भी है हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास रायता भी है. सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला निवाला जो है ये आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो. सो ये आपके लिए.
सो गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आया है आज के बारबेक्यू व्लॉग बनाने के अंदर और बारबेक्यू करने में भी. सो आप लोगों के साथ शेयर करके तो और भी अच्छा लगा. सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है. एंड जाने से पहले, क्योंकि आज 14th of August है, तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक. एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर और कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स एज वेल. सो अल्लाह हाफिज़.